السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخين. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. जी शेख, कुछ लोगों की आदत होती है शेख हमेशा कि जब भी अल्लाह का नाम ले तो वो अल्लाह मियाँ करके बोलते हैं शेख, तो ये कहाँ तक सही है शेख, अल्लाह को अल्लाह मियाँ बनो जैसा कर। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा वा दरुल लदीन युल्हिदून फी अस्माइही। अल्लाह ताला के लिए अस्माए हुस्ना है, खूबसूरत नाम है, और अल्लाह ताला ने वो नाम हमें बता भी दिया है, हमको अपनी तरफ से नहीं गढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिके कायनात है, उसने अपने नाम हमें बता दिए, हमें नाम नहीं रखना है अपनी तरफ से। फदऊ हो बेहा, अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारो और किसी और नाम से मत पुकारो अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो ये जो हम मियां लगाते हैं, मुझे नहीं मालूम ये चीज कहां से आई जी। भाई आप मियां क्यों लगाते हैं? क्या मियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा में से है? क्या उसके सिफात में से है? तो नहीं लगाना चाहिए, कतान नहीं लगाना चाहिए। आप अल्लाह बोलो, आप रब बोलो, रब्बुल आलमीन बोलो, ये सारी चीजें जो अस्मा कुरान में हदीस में वारिद हैं, उनके अलावा किसी और नाम से अल्लाह को पुकारना ये जायज नहीं है।